पहला क्वेश्चन है, ए कॉस टू दिया हुआ है 2432, बी कॉस टू दिया हुआ है 13 -25, सी कॉस टू दिया हुआ है -25, 3 और 4, और आपसे कहा गई फाइंड दी फॉलोइंग। आपको इसमें ए प्लस बी निकालना है, ए माइनस बी निकालना है, 3a - c निकालना है, ए और बी निकालना है और बी इंटू ए निकालना है। तो बेसिकली आपको इस चैप्टर में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है और ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। तो यही मेन होता है मैट्रिक्स इसका, कि आपको प्लस माइनस और मल्टीप्लाई करना आना चाहिए। तो ये बहुत सिंपल ट्रिक और बहुत सिंपल तरीका होता है। पहला मेरे को ए प्लस बी निकालना है, ठीक है, क्या निकालना है, ए प्लस बी। तो आप ए लिख दीजिए 2432 प्लस 13 -25। मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप कोई भी दो मैट्रिक्स को ऐड करते हो, तो दोनों का सेम ऑर्डर होना चाहिए। अगर दोनों का सेम ऑर्डर नहीं है तो मतलब वो ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए आपको दोनों का ऑर्डर क्या चाहिए, सेम चाहिए। तो यहाँ पे आपको वो जो करस्पॉन्डिंग होते हैं उन्हीं को ऐड करते हैं और उन्हीं को आपस में क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट। मतलब पहला एलिमेंट पहले से ऐड होगा 2+1, दूसरा एलिमेंट दूसरे से होगा, और ये वाले एलिमेंट इससे प्लस माइनस माइनस, और ये 2+5। सो दैट मीन आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3, 7। 3 में से 2 जाए कितना बचेगा 1, और 2+ कितना हो जाए 5, 7। सो दिस इज योर आंसर। मतलब बेसिकली ऐड करने का तरीका कुछ नहीं, पहला एलिमेंट इसका पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट इसका दूसरा एलिमेंट इसका, तीसरा एलिमेंट इसका तीसरा एलिमेंट इसका, चौथा एलिमेंट इसका चौथा एलिमेंट इसका। मतलब सिंपल सी बात, चाहे आप 3x3 का करो, चाहे 2x2 का करो, कोई से भी भाई कोई किसी का करो, बट दोनों का जो मैट्रिक्स का ऑर्डर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, आपस में इक्वल, चाहे आप प्लस करें चाहे आप माइनस करें। तो ये चीज़ आ गई आपको समझ में, ये था प्लस करना, अब हम करेंगे माइनस। तो माइनस कर लेते हैं अपन, इसी क्वेश्चन को माइनस करेंगे अगर ए माइनस बी, तो वही जो मैंने जैसे बताया था क्या करेंगे, करस्पॉन्डिंग 2 -1, 4 -3, 3 -2 लिख देता हूँ, और ये हो जाएगा आपका 2 -5। तो 2 में से 1 जाए कितना बचेगा 1, 4 में से 3 जाए कितना बचेगा 3, माइनस माइनस प्लस, तो 3+2, 5, और 2 में से 3 जाए कितना बचेगा -3, तो ये आपका माइनस हो गया। तो माइनस और प्लस करना दोनों ही सेम कंडीशन होती है, बट चीज़ें ध्यान रखनी ये है कि दोनों का ऑर्डर आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल, चाहे वो 3x3 का हो चाहे 2x2, से कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट हमसे बोला 3a - c, क्या बोला, 3a - c। तो 3a ये नोट करना है आपको, कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3a - c, 3a - c करना है। तो आप क्या करेंगे, 3 लिखो, ब्रैकेट a की वैल्यू लिखो 2432, माइनस c की वैल्यू कितनी है -2534। बस आपको इस तरीके से लिख देना है, फिर आपको जो बाहर 3 लिखा है, इस 3 का हर एक एलिमेंट में आपको मल्टीप्लाई करना है। तो क्या हो जाएगा, 3 2 6, 3 4 3 3 9, और 3 2 6, बीच में कौन सा साइन, माइनस का, -2 5 3 और 4। बस अब आपको सिंपल माइनस करना है, तो मैं डायरेक्ट माइनस कर रहा हूँ 6, चलो लिख देता हूँ 6 -2 12 -5 9 -3 और 6 -4, सिंपल है। अब इसमें क्या करेंगे आप, 6 - - प्लस तो कितना हो जाएगा 8, 12 - 5 जाए कितना बचेगा 7, और 9 - 3 जाए कितना बचेगा 6, और 6 - 4 जाए कितना बचेगा 2। तो दिस इज योर आंसर। तो बेसिकली जब आपको किसी के बाहर मल्टीप्लाई करना होता है तो आपको हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किसमें करना पड़ेगा, हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई, देन आपको प्लस या माइनस करना। तो ये तो आपकी बात हो गई प्लस या माइनस करने की, जो सबसे सिंपल होता है प्लस या माइनस करना। मेन मुद्दा होता है मल्टीप्लाई करना, क्या करना, जो कि अब हम करेंगे मल्टीप्लाई, कर दूं रेश। ए बी, तो पहले आप ए लिखोगे 2432, ध्यान रखिएगा ए बी और बी ए दोनों अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है, अभी तो नहीं है हालांकि, लेकिन पहले बाद में कभी भी हो सकते हैं। ए और बी लिखा है,
तो मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होता है समझिए। हाँ, इस पहले वाले के आपको रो को लेना है और दूसरे वाले के आपको कॉलम को उठाना है, और लेकिन मल्टीप्लाई करना किससे, वही करस्पोंडिंग, पहले का मल्टीप्लाई पहले से, दूसरे का मल्टीप्लाई दूसरे से, मींस आपको 7 बनाना है। क्या बनाना है, मतलब रो और ये क्या होगा आपका कॉलम, तो क्या बनना है आपका 7 बनना है, और बीच में क्या लगा देते हैं प्लस का साइन, तो करें इसका रो उठाएंगे पहला, तो 2 और 1 जा 2, 2 1 जा, मैं मल्टीप्लाई का साइन ही लगा रहा हूँ, बीच में लगाएंगे अपन प्लस, और 4 का कैसे करेंगे, तो 4 × -2, ठीक है। अब इस पहला रो, रो का कंप्लीट हो गया, इससे पहले कॉलम, अब इसका इसी का मल्टीप्लाई दूसरे से करेंगे, तो 2 × 3 + 4 × 5, तब पहली रो का इन दोनों कॉलम में हो गया, हमारा काम खत्म। अब हमारी पहली रो खत्म, अब हम आते हैं दूसरी रो पे, तो दूसरी रो का ही वही सिस्टम है, पहले कॉलम से करेंगे और दूसरे कॉलम से, 3 × 1 + 2 × -2, ठीक है। तो अब इसका पहली रो पहला कॉलम खत्म, दूसरे कॉलम पे आएंगे 3 × 3 + 5 × 2, मतलब पहला रो लिया उसका दोनों कॉलम में मल्टीप्लाई करा, फिर इसका दूसरा रो लिया उसका दोनों कॉलम में मल्टीप्लाई करा, मतलब पहले का रो लेना है दूसरे का कॉलम लेना है, और बारी बारी सभी को मल्टीप्लाई करना, बीच में क्या साइन लगाते हैं प्लस। सॉल्व कर लेते हैं, 2 1 जा और 4 2 जा 8, तो माइनस का 8, 3 2 जा 6 और प्लस 4 5 जा 20, 3 1 जा 3 + 2 2 जा 4, तो माइनस का 4, 3 3 जा 9 और 5 2 जा 10, तो आंसर कितना जाएगा आपका -6 26 -1 और ये 19, तो ये आपका a × b आ गया। समझ में आ गई बात ये, तो ये मल्टीप्लाई होता है, और ये मल्टीप्लाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मैट्रिक्स में पूरे में, तो मैट्रिक्स प्लस माइनस तो बच्चे आराम से कर लेते हैं, गलती कहाँ हो जाती मल्टीप्लाई में, तो आगे समझ में, मल्टीप्लाई कर लोगे तो b × a का आप लोगों को करना है, ठीक है, तो आप लोग कर लीजिएगा, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसको नोट करेंगे आप, नहीं करना, आते हैं, अच्छी बात है, तो वही तो अच्छी बात है, ये तो मैं फिर धनाधन बस बताते ही जाता हूँ और क्या। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन मल्टीप्लाई के हम ले लेते हैं, एक क्वेश्चन मेरे बहुत फेवरेट है, ये वाला क्वेश्चन 1 2 3 2 3 4, इस क्वेश्चन का हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है इन दोनों का आपस में, क्या करना है इन दोनों का आपस में, तो भैया मैंने आपको पहले ही बताया था, पहले की आपको रो लेना और दूसरे के कॉलम, तो इसकी रो देखें इसमें कितनी रो है, 1 2 3 रो है, एक पहली रो ये R1 है, ये R2 और ये आपकी R3 है, और इसमें कितने कॉलम है, इसमें भी एक कॉलम, दो कॉलम और तीन कॉलम है, तो 3 × 3 का बनेगा, टोटल कितने एलिमेंट हो जाएंगे, तो अपना जो नया प्रोडक्ट आएगा वो कितना आएगा, 3 × 3 का आएगा, देख लेते हैं वो तो अपने आप पता चल जाएगा। आपका काम क्या होता है, रो का कॉलम में मल्टीप्लाई बस करते जाइए, तो आप ध्यान से देखेंगे ये रो है पहली रो है ना, तो इस रो को उठा के पूरे कॉलम में मल्टीप्लाई करना, 2 1 जा 2 3 1 जा और 4 1 जा, पहली रो खत्म, अब दूसरी रो लेंगे पूरे कॉलम मल्टीप्लाई करना, 2 2 जा और 2 3 जा और 2 4 जा, फिर 3 का मल्टीप्लाई कर, फिर तीसरी रो का कॉलम 3 2 जा 6 3 3 जा और 4 3 जा, तो देखिएगा ऑर्डर ही चेंज हो गया, अब ये 3 by 3 का बन गया मैट, क्या बन गया 3 by, तो दिस इज दी आंसर। कई बार हम इसमें गलती कर जाते हैं, बच्चे क्या करते हैं, 1 का 3 को ऐड कर देते हैं, क्योंकि ये कॉलम अलग अलग कॉलम है, ये एक कॉलम नहीं है, ये अलग अलग कॉलम है, तो प्लस तो हो नहीं पाएंगे, क्योंकि एक ही हमारे पास जो रो है ये तो एक ही है ना, इसलिए करूँ। समझ में आई बात, तो दिस इज दी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका एक और 1 − 2 2 3 और ये आपका है 1 2 3 2 3 1, ठीक है। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सिंपल वही रो और कॉलम, पहले रो उठा लो यहाँ से कॉलम, तो ये रो है और ये क्या है आपके कॉलम है, ये रो और ये कॉलम, तो 1 × 1 1 + 2 2 जा, तो लेकिन माइनस का 4 आएगा, ठीक है। अब ये पहला कॉलम खत्म, अब दूसरे कॉलम पे आते हैं, तो 1 × 2 2 और 2 3 जा −6 हो गया ना, और इसके बाद यहाँ आएंगे 3 1 जा 3 और −2, आया समझ में। अब पहली रो खत्म हो गई, अब हम कौन सी रो पे आएंगे, दूसरी रो पे, सेकंड पे, तो 2 1 जा 2
और 3 2 6, 2 2 4 और 3 3 9, फिर 2 3 6 और 3 1 3. तो आंसर क्या होगा, 1 -4 -3, 2 -6 -4, 3 -2 1. 2 और 6 कितना हो जाएगा 8, 4 और 9 कितना हो जाएगा 13, 6 और 3 कितना हो जाएगा 9. तो ये आपका आंसर आ गया. तो बेसिक कंसेप्ट क्या है, रो कॉलम 7 बनाना है. क्या बनाना है, 7. समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है. करते हैं स्टार्ट, क्या करेंगे बताओ, रो और कॉलम से. 2 1 3 0 और 4 3 12. ठीक है, पहली कॉलम खत्म, दूसरे कॉलम पर आते हैं. 3 2 -6, 3 2 + 6 और 4 0 0. अब इसके बाद थर्ड कॉलम पे आते हैं, 5 2 10, 3 4 12 और 4 5 20. अब पहला कॉल रो खत्म हो गया, अब दूसरे रो पे आएंगे, इसको क्रॉस कर देते हैं, यहाँ आते हैं. 3 1 3 प्लस 4 0 क्या हो जाएगा, और 5 3 15. फिर इसके बाद इससे करेंगे 3 3 -9, 4 2 8 और 5 0 0. 5 का किससे हो जाएगा, 0 से. अब नेक्स्ट 3 5 15, 4 4 और 5 5 20. सेकेंड रो भी खत्म, अब थर्ड रो पे आते हैं, 4 से करेंगे, 4 1 4, 5 0 और 6 3 18 होगा, 6 3 18. अब इसका 4 3 -12, 5 2 10 और 6 0 करेंगे 0, 4 5 20, 5 4 20 और 6 5 30. देन आंसर क्या हो जाएगा आपका, 2 और 12 14, 6 से 6 कैंसिल, तो आंसर क्या हो जाएगा, 0 10 20 30 42 आंसर है ना. 3 और 5 15, 18, 9 में से 8 कितना बचेगा, -1 15 30 31 और 25 31 और 25 कितना हो जाएगा आपका, 56. 8 और 4 कितना, 22, -2 10 -2 20 20 40 70. सो दिस इज दी आंसर. तो अब आपको इतना हो गया है, तब आपको आ ही गया होगा कि भैया किस तरीके से मल्टीप्लाई करना, चाहे कोई भी कैसा भी नंबर. यहाँ पे मल्टीप्लाई में कोई दिक्कत नहीं, कोई भी ऑर्डर हो, कोई भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं. लेकिन किसमें फर्क पड़ता है, आपका प्लस या माइनस, प्लस या माइनस आपको मल्टीप्लाई का, मतलब प्लस या माइनस में ऑर्डर जो होता है वो आपका बराबर होना चाहिए, सेम होना चाहिए. लेकिन मल्टीप्लाई में ऐसा हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है. वेरी गुड, आ गया समझ में, नोट कर लो, नहीं तो मत करो.